हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग संकल्प बैच के माध्यम से डेली टारगेट सीरीज में टारगेट नंबर हम लोग 16 को करेंगे और 16 टारगेट में जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओआरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से रन कर रहा है। जितने लोग एस्पिरेंट जो है कि इस टारगेट को फॉलो कर रहे हैं डेली बेसिस पे, और उसमें कोई उनका पैसा नहीं लग रहा है, बस समय लग रहा है। जितना उनको समय चाहिए होता है पढ़ने के लिए 5 से 6 घंटा, वही समय बस सही डायरेक्शन में वो अपना लगा रहे हैं, जिससे उनके अंदर एक आत्मविश्वास की वृद्धि भी हो रही है। और साथ ही साथ वो अब तक जो है कि एंशिएंट हिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, ज्योग्राफी 4 सब्जेक्ट लगभग कवर कर चुके हैं। आज आपको ज्योग्राफी और जो पॉलिटी का लेक्चर दे रहा हूँ, अगले 3 टॉपिक और आएंगे, मतलब 3 दिन के और टारगेट्स आएंगे और उसके बाद आपके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस को शुरू करेंगे दोबारा से, ठीक है। तो अब हम लोग कवर करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। अब यहाँ पर हम लोगों ने पॉलिटी में आज मैंने केंद्र राज्य संबंध के बारे में चर्चा करने के लिए आपको टॉपिक दे दिया है, ठीक है। अब इसमें आपको केंद्र राज्य संबंध को कवर करना है और साथ ही साथ उसमें जो सूचियाँ दी गई हैं, जैसे समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, क्या क्या प्रावधान है, कौन से तरीके ऐसे हो सकते हैं जब राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकता है, या फिर समवर्ती सूची पर अगर कानून बनाते समय केंद्र और राज्य को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन से सूची का विषय महत्वपूर्ण माने जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके साथ ही साथ आपको राज्यपाल छूट गया था दोस्तों, जब मैंने राष्ट्रपति आपको दिया था पढ़ने के लिए तो राष्ट्रपति के साथ मुझे राज्यपाल भी देना था, जैसे मैंने लोकसभा राज्यसभा के साथ विधानसभा और विधान परिषद भी दिया, क्योंकि दोनों तुलनात्मक रूप में आप जो पढ़ते हो तो ज्यादा बेस्ट तरीके से तैयार हो पाता है। अब जिन लोगों ने राष्ट्रपति को कवर कर लिया था, आज उनका राष्ट्रपति दोबारा रिविजन भी हो जाएगा और राज्यपाल के साथ आप तुलनात्मक रूप में पढ़ पाओगे। तो राज्यपाल को भी पढ़ना है और राष्ट्रपति को भी पढ़ना है। इसके साथ आपको पढ़ना है आपातकालीन उपबंध। हालांकि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने आपातकालीन उपबंध दे दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। अगर दे दिया है तो इसका आज रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं दिया है तो आज आप इसको पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360 का प्रयोग कैसे होता है, 355 का क्या प्रयोग होता है, 358 और 359, 358, 359 जिसमें आर्टिकल नंबर 19 को जो है कि वायलेट कर दिया जाता है, या फिर 21 को छोड़ के बाकी राष्ट्रपति जिन भी अधिकारों को चाहेगा उनको वायलेट कर देगा। तो ये सारे प्रोविजंस आपको आज पढ़ने हैं। पॉलिटी में आज आपको थोड़ा सा कम टॉपिक दिया जाएगा क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। आज ही मेरी 2 एस्पिरेंट से बात हुई जिन्होंने कहा कि सर गर्मी इतनी पड़ रही है कि लाइट बार बार कट रही है और जिसकी वजह से उनके टारगेट्स भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि हाँ ऐसे और भी एस्पिरेंट के साथ समस्याएं आ रही होंगी, तो कोई नहीं, एक आध हफ्ते तक हम थोड़ा सा टॉपिक को कम लेकर चलेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको टॉपिक नहीं मिलेंगे, स्पीड मेरी वही रहेगी, टारगेट के टॉपिक मेरे वही रहेंगे, बस थोड़ा बहुत जहां मुझे कम बेसी करना होगा, कम ज्यादा वो मैं कर लूंगा। तो पॉलिटी को आज आप इतना ही कवर करना। इसके लिए मैं बार बार कहूंगा सोर्सेज के तौर पर आप घटना चक्र को जरूर पढ़ें, उसके साथ कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हो। चाहे आपको मन करे परीक्षा वाणी पढ़ो, महेश बड़वाल पढ़ो, खान सर के नोट्स पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, दृष्टि की बुक पढ़ो, कोई भी पढ़ लो, लेकिन एक बुक जरूर रखना और साथ में घटना चक्र को जरूर पढ़ना है। उसके शॉर्ट नोट्स अगर आप पढ़ना चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके क्लास देख सकते हो घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की, उसे पढ़ सकते हो, हैंड रिटन नोट्स है, या फिर आप उसकी पीडीएफ को भी परचेस कर सकते हो। वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट हो जाएगा, वो आपको ये प्रॉपर प्रोसीजर बता देगी। बाकी बात करते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत, लगभग हमारी ज्योग्राफी अब कंप्लीट होने वाली है, केवल एग्रीकल्चर सेक्शन बचा हुआ है और मिनरल सेक्शन, ये 2 सेक्शन बचे हुए हैं जिसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप देखोगे सिंचाई और नहरें, बहुत सारी नहरें और सिंचाइयों का जो निर्माण होता है सिंचाई पद्धति की, जैसे लघु जोत हो गई, मध्यम जोत हो गई, बृहद जोत हो गई, 10 हेक्टेयर से अधिक, 2 से 10 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से कम, कुओं से, नलकूप से, नहरों से, इनसे जो सिंचाई होती है, और इनके बारे में जैसे यूपी जो है कि नलकूप के मामले में सबसे अधिक जाना जाता है, मतलब कि सबसे अधिक यहीं पर होती सिंचाई, फिर पंजाब वगैरह में सिंचाई होती है नहरों से। तो ये अलग अलग पैटर्न आपको पढ़ने हैं और कौन कौन सी नहरें कहाँ कहाँ से निकाली गई हैं, किन नदियों से निकाली गई, इसको आपको कवर करना है। मिट्टियों के बारे में बात करेंगे तो मिट्टियों के बारे में आपको लैटराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, पीट मृदा, पहाड़ी मृदा, मरुस्थली मृदा, ये हर प्रकार की जो मृदा है थोड़ा थोड़ा आपको जानना है, क्योंकि इसमें 3 बेसिक प्रश्न बनते हैं। पहला कि उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ जो है कि, और मिनरल्स के साथ साथ इसमें यह भी पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी किस जगह पर पाई जाती है। जैसे अगर मैं लाल मिट्टी की बात करूं, लैटराइट मिट्टी की बात करूं, तो लैटराइट मिट्टी सामान्यतः कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, लाल मिट्टी थोड़ा शुष्क क्षेत्रों में होती है। फिर साथ ही साथ उसमें आप लाल मिट्टी क्यों मिलती है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से होती है, फेरस ऑक्साइड। या कपास मिट्टी की बात करें तो कपासी मृदा जो है कि किसकी वजह से काली होती है, ह्यूमस की मात्रा कैसी होती है, नाइट्रोजन की मात्रा कैसे होती है। ऐसी जलोढ़क मृदाएं जो बृहद मैदानी क्षेत्र है, नदियों के जलोढ़क क्षेत्र में मिलती है, पीट मृदाएं दलदली क्षेत्र में मिलती है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की मृदाओं के बारे में आपको पढ़ना है।
और इसी तरीके से इन मृदाओं के ऊपर डेवलप होने वाली जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनको आपको पढ़ना है, जैसे उष्ण कटिबंधी वनस्पतियां, सदाबहारी वनस्पतियां, पर्णपाती वनस्पतियां, टुंड्रा वनस्पतियां, शंकुधारी वनस्पतियां, मरुस्थली वनस्पतियां, मतलब कहाँ पे जो है कि पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, कहाँ पर जो है कि सदाबहारी रहती है, हमेशा जो है कि कोई ना कोई पेड़ पे पत्तियां लगी रहती हैं, और फिर शंकुधारी जो हिमालय वाले क्षेत्रों में होते हैं इस तरीके के, और मरुस्थली जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती है, पत्तियों के नाम पे वहाँ कांटे पाए जाते हैं। तो ये सारी विशेषताओं से युक्त आपको ये पूरी की पूरी वनस्पतियाँ पढ़नी है। आज आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी पे ज़्यादातर वर्क करना है क्योंकि तो और कुछ नया मैंने टास्क नहीं दिया है। जैसे अगर आप देखोगे करंट अफेयर्स में कोई भी टॉपिक नहीं दिया है, और जबकि मैं आपको बता दूं कि जनवरी फरवरी और मार्च की आपकी करंट अफेयर्स कंप्लीट कर दी गई है, जनवरी की आपकी रिवीजन भी हो गई है, और फरवरी में आज आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो रिवीजन आपने कल किया था, अगर आपके पास समय होगा तो आप अंतर्राष्ट्रीय कर लेना, अदरवाइज कुछ एस्पिरेंट के नहीं हुए तो वो आज भी अपना समय ले सकते हैं कि राष्ट्रीय घटनाक्रम को रिवाइज कर लें। और इसी तरीके से आरओ एरओ पीवाईक्यू में कुछ भी नया नहीं दे रहा हूँ, आपको मैंने परसों दिया था एंशियंट हिस्ट्री का प्रीलिम्स ओनली, और लास्ट में कल दिया था मैंने एंशियंट हिस्ट्री का मेंस। आज मैं आपको दे रहा हूँ प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ पढ़ने के लिए। अब जिसके पास घटना चक्र की बुक होगी या फिर यूथ पब्लिकेशन की बुक होगी या फिर शिल्पी की बुक होगी तो उसमें ये सारे के सारे नोट्स एक जगह आपको मिलेंगे पेपर वाइज कि कौन से साल में क्या क्या पेपर थे। अगर आपको फिर भी थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट करके हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं जिसमें मैंने पूरा एक सिक्वेंस वाइज एंशियंट हिस्ट्री एक जगह लिख दी पूरी, प्रीलिम्स की मेंस की, मॉडर्न हिस्ट्री की एक जगह लिख दिया, प्रीलिम्स मेंस की, पॉलिटी एक जगह लिख दी, ज्योग्राफी एक जगह, साइंस एक जगह, इकोनॉमिक्स एक जगह, एनवायरमेंट एक जगह, ऐसे मैंने क्या किया है कि पूरा का पूरा प्रीलिम्स और मेंस का एक एक जगह रख दिया है। तो इससे आपको एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने में आसानी हो सकेगी। तो आप इस तरीके से आप हमारी पीडीएफ को भी परचेस कर सकते हो। अदरवाइज जो भी बुक है आपने, जो आपने प्रीलिम्स पढ़ा परसों कल में और मेंस जो पढ़ा, इन दोनों को बस आपको रिवाइज करना है आज फिर से, क्योंकि मेरा फंडा है कि रिवाइज करना बहुत जरूरी है। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कितना भी नया पढ़ते जाओ लेकिन अगर रिवीजन नहीं होगा तो बेकार है सारी चीजें। उसी तरीके से मैंने आज रिवीजन सीरीज में एंशियंट हिस्ट्री में और करंट अफेयर्स में भी कोई चेंजेस नहीं किया है। फरवरी वाले में आप करंट अफेयर्स में मैंने कहा कि आप चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ सकते हो अगर समय है तो, नहीं तो ज्योग्राफी और पॉलिटी में ही आपका नो डाउट 4 घंटा प्रॉपर जाएगा क्योंकि पूरे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपको तैयार करना पड़ेगा, उसमें समय भी लगता है। और इसी तरीके से गुप्तोत्तर काल और संगम युग में कोई चेंजेस नहीं किया, आज फिर से आप इसको पढ़ लीजिए जो बचा हुआ टॉपिक होगा उसको। एक चेंज किया है मैंने मैपिंग को, एटलस की क्लास को लेकर मैंने चेंज किया है जिसमें नॉर्थ अमेरिका आपका कंप्लीट हो चुका है 1 से लेकर 5 तक। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार दोबारा आप इसका रिवीजन करो। इस बार आप क्या करोगे, इससे पहले आप जब भी देख रहोगे अगर ऑनेस्टली आप देख रहोगे तो नो डाउट आप नॉर्मल स्पीड में देख रहोगे। अब आप क्या करना, अपनी स्पीड को बढ़ा के 1.5 की स्पीड से कर लेना जिससे जल्दी जल्दी आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 1 घंटे के अंदर दोनों देख लोगे। अभी तक क्या था, 1-1 घंटे की 2 वीडियो देखी, 2 घंटे दिए, लेकिन अब आपको 1 ही घंटा देना है और दोनों वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी 1.5 की स्पीड पे, 1.5 की स्पीड पे अगर आप देखोगे तो। इससे क्या होगा, नॉर्थ अमेरिका का एक बार दोबारा रिवीजन हो जाएगा, वहां पे जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके करंट जो प्रश्न बनते हैं, टॉपिक से जो प्रश्न आते हैं लोकेशन बेस्ड, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यही आज आपका सीरीज रहेगा, इसमें मेनली आपको फोकस करना है पॉलिटी के 3 सेगमेंट में और ज्योग्राफी के 3 सेगमेंट में। अगले 2 टारगेट में ये दोनों ही टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। बेसिक सोर्स में अगर बताऊं सिलेबस को मैं क्या बना रहा हूं, तो घटना चक्र को मैं सिलेबस का सोर्स बना रहा हूं कि कैसे मुझे सिलेबस टॉपिक वाइज टॉपिक आपको देने, वो घटना चक्र में ज्यादा फिल्टर करके और ज्यादा डिफाइन करके लिखे हुए हैं, इसलिए वहां से मैं उठाता हूं जहां से हर एक तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको पढ़ने के लिए आप बर्नवाल जी को फॉलो कर सकते हो, परीक्षावाणी फॉलो कर सकते हो, दृष्टि पब्लिकेशन, खान सर के नोट्स, कोई भी कोचिंग के नोट्स आप फॉलो करो या किसी भी बुक को, लेकिन टॉपिक लगभग सभी में सेम होते हैं, 80-90% सेम होते हैं, तो कम से कम उस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और उसके साथ अपनी और अच्छी समझ को बेहतर करने के लिए आपको घटना चक्र की बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। बुक नहीं पढ़ सकते तो नोट्स पढ़ो, नोट्स भी नहीं पढ़ सकते तो हमारे शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, वो भी नहीं पढ़ सकते तो क्लास नोट्स पढ़ लो, कुछ तो पढ़ो, घटना चक्र को पढ़ना जरूरी है। दैट्स क्लियर, समझ में आ गया आज का टारगेट। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की क्लासेस इसी तरीके से रेगुलर चल रही होंगी और आपको पसंद आ रहे होंगे टारगेट, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप का भी है और एक चैनल का भी है जिससे आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज लिख पाते हैं और मैं उस पर रिप्लाई कर पाता हूँ, ताकि हमारे और आपके बीच में एक बाउंडिंग बनती है, समझदारी होती है कि हाँ कहाँ पे कौन सा बच्चा कमजोर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।